Dear student, welcome again in YouTube classes. We are discussing on the topic of maturity indices, harvesting and feed handling. It is related to the paper, class 3rd year paper for HORD 3-1, post harvest management and value addition of fruits and vegetables. Now we are coming on the topic. Today topic is maturity indices, harvesting and feed handling. What is maturity? Maturity is the stage at which a commodity has reached a sufficient stage of development that after harvesting and post-harvest handling includes ripening where required, its quality will be at least minimum acceptable to the consumer. आज का प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो थर्ड ईयर की क्लास के लिए, एग्रीकल्चर थर्ड ईयर के लिए, और जो टॉपिक है उसका टॉपिक का शीर्षक है मैच्योरिटी इंडाइसिस, हार्वेस्टिंग एंड फील्ड हैंडलिंग. तो सबसे पहले अगर मैच्योरिटी इंडाइसिस की बात हमें करनी है तो व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी एक ऐसी अवस्था है जहां पे फल या सब्जी अपनी पूर्ण विकास कर लेता है और उसकी जो मिनिमम क्वालिटी है वो कंज्यूमर के लिए स्वीकार करने योग्य हो, ऐसी अवस्था को मैच्योरिटी कहते हैं. दो टर्म है, टेक्निकली दो टर्म जाने जाते हैं फ्रूट और वेजिटेबल कल्टिवेशन में, मैच्योरिटी और राइपनिंग. मैच्योरिटी एक ऐसी अवस्था है जहां पे फल और सब्जी अपना पूर्ण विकास कर लेती है और इतना वो विकास कंज्यूमर के लिए स्वीकार हो. और राइपनिंग मैच्योरिटी के बाद की स्टेज है जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल मैच्योरिटी के बाद कन्वर्जन ऑफ सुगर इन स्टार्च, दैट इज कॉल्ड राइपनिंग. नाउ वी आर कमिंग मैच्योरिटी इंडाइसिस. पहचानते हुए लक्षण कि आपका फल या सब्जी मैच्योर हो गया है कि नहीं, ऐसे लक्षणों को हम मैच्योरिटी इंडाइसिस कहते हैं. साइन विच इंडिकेट्स द मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो पहचान के वे लक्षण जिससे आपको पता लग सके कि आपकी फल या सब्जी मैच्योर हो गई है कि नहीं, अगर मैच्योर हो गई है तो आप हार्वेस्ट कर सकें. तो फर्स्ट पहला साइन है पील कलर, छिलके का रंग. ये देखते हम सिट्रस में, पपाया में, टोमेटो में, मैंगो में और मटर में, पीस. नाउ सेकेंड वन इज फल कलर, गूदे का रंग. गूदे का रंग हम चेक करते हैं टोमेटो में, मैंगो में और सेब में, एप्पल में. थर्ड वन इज शेप, आकृति या आकार. बनाना केले में हम देखते हैं फुलनेस ऑफ फिंगर्स, जो आपकी फिंगर्स है. इंडिविजुअल फ्रूट को हम बनाना में फिंगर बोलते हैं, और जो एक फ्रूट का गुच्छा है उसे हैंड, और पूरे गुच्छे के जो एक बंच है, पूरा जो एक बंडल है उसको बंच बोलते हैं. तो फुलनेस ऑफ फिंगर्स. मैंगो में हम देखते हैं फुलनेस ऑफ चीक्स, और पाइनएप्पल फ्लैटिंग ऑफ आईज. नेक्स्ट है आपका साइज. साइज हम देखते हैं कुकम्बर, खीरा, सिट्रस, नींबू वर्गी, एप्पल, सेब, पियर, नाशपाती. नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफ प्लांट पार्ट. प्लांट पार्ट के सूखने के आधार पे ऑनियन, प्याज, गार्लिक, लहसुन, बनाना, पोटैटो और अदरक, जिंजर. नेक्स्ट वन इज सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फ्रूट या वेजिटेबल का अपर सरफेस है उसके लक्षण के आधार पे ग्रेप, टोमेटो, मेलन एंड मैंगो. नेक्स्ट वन इज इजी टू सेपरेशन फ्रॉम प्लांट. मेच्योरिटी आने के बाद आप फ्रूट या वेजिटेबल को आसानी से अलग कर पा रहे हैं पौधे से कि नहीं, तो ये हम देखते हैं मस्कमेलन में, ग्रेप में और मैंगो में. देन इजी ऑफ स्नैपिंग.
आप आसानी से फल फल और सब्जी को पौधे से काट पा रहे हैं कि नहीं, ये देखते हैं हम बीन्स में, ओकरा में और पीज में, फलियों में, भिंडी में और मटर में. नेक्स्ट वन इज जूसीनेस. जूस कंटेंट हम चेक करते हैं मिल्की एक्सीडेट, दूध जैसा जो जूस है वो किसमें देखते हैं, स्वीट कॉर्न. नेक्स्ट वन इज टैपिंग. टैपिंग माने थपथपाना. हम तरबूज लेने जाते हैं तो उसको बजा के देखते हैं, तो टैपिंग. वाटरमेलन डल, अगर डल आवाज साउंड आ रही है, डल साउंड है इट इज, तो दैट इज फ्रूट इज मैच्योर. व्हेन साउंड इज मेटेलिक दैट मीन्स फ्रूट इज इमैच्योर. जैकफ्रूट. नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. एज फ्रूट मैच्योर्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेस. जैसे जैसे फल मैच्योर होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती जाएगी. और ये हम चेक करते हैं मैंगो में, अगर इसकी यूनिट 1 से लेके 1.02 है, पोटैटो आलू और अनानास पाइनएप्पल में 0.98 से लेके 1.02 है तो हम समझेंगे, और गुआवा में 1.0 तो हम समझेंगे कि हमारा फ्रूट या वेजिटेबल मैच्योर. नेक्स्ट वन इज सॉलिडिटी. ठोसपन. सॉलिडिटी हम देखते हैं कैबेज में, कैबेज को हम देखते हैं तो वो कठोर है या है कि नहीं. नेटिंग जाली बनना. मस्क मेलन में, खरबूज में. एरोमा सुगंध जैक फ्रूट में. सुगर्स मेलन एंड ग्रेप्स. टीएसएस. टीएसएस हम जब फ्रूट में टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग सुगर, और इसका मेजरमेंट हम करते हैं बाय हैंड रिफ्रेक्टोमीटर, और इसकी जो यूनिट है उसको हम लिखते हैं डिग्री इन ब्रिक्स, जिससे टेम्परेचर को हम डिग्री इन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में लेते हैं, इसी तरह से सुगर की यूनिट को हम डिग्री इन ब्रिक्स में लेते हैं. और ग्रेप की जो रीडिंग है वो 14 to 16 डिग्री ब्रिक्स. मैंडरिंगी 14 से 16. स्वीट ऑरेंज 12. पपाया पाइनएप्पल 12 से 14 डिग्री ब्रिक्स. नाउ सम सम अदर इंडाइसेस आर एसिडिटी. एसिडिटी हम चेक करते हैं मैंडरिन संतरे में, स्वीट ऑरेंज मौसमी में, मैंगो और पाइनएप्पल. इनकी डिफरेंट यूनिट है, मैंडरिन में अगर एसिडिटी है अम्लता है 0.4%, देन स्वीट ऑरेंज मौसमी में है 0.3% और मैंगो और पाइनएप्पल में 0.5 से 0.6%. नाउ स्टार्च इंडेक्स. स्टार्च को हम चेक करते हैं एप्पल से, पियर, नाशपाती और बनाना में. फिर जूस कंटेंट. अगर हम किसी फ्रूट का जूस ले रहे हैं तो उसमें जो परसेंटेज है वो हम चेक करते हैं सिट्रस में, और वो परसेंटेज होना चाहिए 35 to 50%. डेज फ्रॉम फुल ब्लूम. जैसा आप जानते हैं फ्लॉवरिंग, जब मैक्सिमम फ्लॉवरिंग ऑन ए ट्री, ऑन ए प्लांट अगर है, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज फुल ब्लूम. और फुल ब्लूम चेक करते हैं हम मैंगो में, सिट्रस में, एप्पल में और पियर. लास्ट वन इज डेज फ्रॉम फ्रूट सेट टू हार्वेस्ट. वह अवधि जब फ्रूट सेट होता है और हार्वेस्टिंग का जो पीरियड है वो अवधि डेज फ्रॉम फ्रूट सेट टू हार्वेस्ट कहलाएगी. और ये हम चेक करते हैं बनाना 90 डेज, मैंगो में 110 to 125 डेज. तो ये जो मैच्योरिटी इंडाइसिस है, पहचान के लक्षण है कि आपके फ्रूट या वेजिटेबल में परिपक्वता आ गई है कि नहीं, ये सारे लक्षण से आप पता लगा सकते हैं. और एक्सप्लेन, यू कैन एक्सप्लेन द मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन योर एग्जाम. अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके पेपर फर्स्ट हॉर्टिकल्चर का, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैच्योरिटी इंडाइसेस हार्वेस्टिंग एंड फील्ड हैंडलिंग. अभी आपने देखा मैच्योरिटी इंडाइसेस, फ्रूट और वेजिटेबल में मैच्योरिटी को पता लगाने के पहचान के लक्षण वो आपने देखे. नाउ वी आर कमिंग ऑन हार्वेस्टिंग. तो फ्रूट और वेजिटेबल को
कब हार्वेस्ट करना है, किस स्टेज पे हार्वेस्ट करना है, जब आपको पता है कि मैच्योरिटी इंडाइसेस मैच्योरिटी की पहचान आपको हो गई, तो आपको मैच्योरिटी के बाद ही हार्वेस्ट करना है। और राइपनिंग बिहेवियर के आधार पे फ्रूट और वेजिटेबल को हम दो कैटेगरी में ट्रांसलेट करते हैं, दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, पहला है क्लाइमेटिक और दूसरा है नॉन क्लाइमेटिक। जैसा आपको पता है कि क्लाइमेटिक फ्रूट्स को हम फुल्ली मैच्योर और अनराइप स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं, जिससे उनको उनके कंजप्शन वाले एरियाज में हम भेज सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, क्योंकि वो नेचर वाइज कोमल मुलायम नाजुक होते हैं, टेंडर इन नेचर होते हैं, तो उनका हैंडलिंग और उनका ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब आपको मैच्योरिटी पता है तो फुल्ली मैच्योर बट अनराइप स्टेज में आप फ्रूट और वेजिटेबल को हार्वेस्ट करते हैं। तो नाउ वी आर कमिंग ऑन हार्वेस्टिंग में आपको ध्यान रखना है, हार्वेस्टिंग शुड बी डन ड्यूरिंग कूलर पार्ट ऑफ द डे, प्रिफरेबली इन मॉर्निंग। आपको ध्यान रखना है कि जब आप हार्वेस्ट करें तो दिन का कूलेस्ट पार्ट, कूलर पार्ट ऑफ द डे, इसका मतलब कि सबसे ठंडा दिन अगर आप महसूस करें तो वो मॉर्निंग होगा। और आपको प्रेफर करना है द प्रोड्यूस शुड बी शिफ्टेड टू शेड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कूलेस्ट पार्ट में आप हार्वेस्ट कर रहे हैं और आपको प्रेफर करना है मॉर्निंग। और जैसे ही आप आपके प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको जितना जल्दी हो सके छाया वाली जगह पे आपको शिफ्ट करना है। देन हार्वेस्टिंग हॉट पीरियड रेजेस फील्ड हीट ऑफ द प्रोड्यूस कॉजिंग बिल्टिंग एंड श्रिवलिंग। अगर आपने आपके प्रोड्यूस को गर्मी वाले समय पे हॉट पीरियड में अगर आपने हार्वेस्ट किया है, उससे फील्ड हीट आपके प्रोड्यूस में आ जाएगी, जिससे फलों का फटना और सिकुड़ना एक प्रॉब्लम आ जाएगी और उसकी क्वालिटी खराब होगी। हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग और इमीडिएट आफ्टर रेन्स, बरसात में और बरसात के तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा कि कैरिड आउट सिंस इट क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपने आपके प्रोड्यूस को बरसात और बरसात के तुरंत बाद हार्वेस्ट कर लिया है, तो वो एक नई समस्या पैदा करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लीकेशन में। सिट्रस फ्रूट बिकम ससेप्टेबल टू डैमेज इफ हार्वेस्टेड ड्यूरिंग रेन्स। अगर आपने सिट्रस फ्रूट को हार्वेस्टिंग के की हार्वेस्टिंग बरसात के समय कर ली है, तो वो काफी ससेप्टेबल है, उनका जो छिलका है वो स्टर्जिट होने के बाद पतला होगा और डैमेज होगा। केयर इन हार्वेस्टिंग इज नेसेसरी एज एनी ब्रूसेज और इंजरीज ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग मे लेटर मैनिफेस्ट एज ब्राउन और ब्लैक पैचेस। जब आप आपके प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करें तो ध्यान रखें कि जो आपकी आपके फ्रूट या वेजिटेबल है वो डैमेज ना हो। अगर डैमेज होंगे तो उस समय आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन एक दो दिन बाद वो पैचेस ब्राउन और ब्राउन से ब्लैक धब्बों में कन्वर्ट होंगे, जिससे आपकी क्वालिटी खराब होगी। तो बहुत केयरफुली आपको हार्वेस्ट करना है। लेटेक्स कमिंग आउट ऑफ स्टेम शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल ऑन फ्रूट्स एज इट क्रिएट्स एज ब्लैक स्पॉट। मैंगो के केस में आपको अवॉइड करना है कि लेटेक्स आपको फ्रूट को अलग करते वक्त, हार्वेस्ट करते वक्त फ्रूट के ऊपर ना आए, अगर वो आएगा तो ब्लैक स्पॉट बनेंगे। इंजरी टू पील मे बी कम एन एंट्री पॉइंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग रॉटिंग। अगर फल आपसे डैमेज हो गया हार्वेस्टिंग के वक्त, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक एंट्री पॉइंट होगा और फ्रूट में रॉटिंग की प्रॉब्लम आएगी, फल सड़न की प्रॉब्लम आएगी, अल्टीमेटली आप डैमेजेस को जो कम करना चाहते हैं वो और बढ़ जाएंगे। हम कह सकते हैं मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हार्वेस्टेड अनराइप फॉर देयर सेफ हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, बट दे मस्ट बी मैच्योर्ड व्हेन हार्वेस्टेड। अब अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनको, जो क्लाइमेटिक फ्रूट्स हैं, जिनको हम अनराइप स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं, और अनराइप स्टेज में जब हम हार्वेस्ट करते हैं
तो उनका इजी हो जाता है उनकी हैंडलिंग, उनका स्टोरेज, उनका ट्रांसपोर्टेशन, और उनको नियर कंजप्शन एरिया पका लिया जाता है, क्योंकि उनका जो नेचर है वो टेंडर इन नेचर है, उनका राइप कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग मुश्किल है। तो ये ध्यान में रखना है कि आप किस फल सब्जी की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, किस वक्त आपको करनी है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि हार्वेस्टिंग को प्रिफर करना है मॉर्निंग आवर में, जिससे आपकी जो फील्ड हीट है वो आपके फ्रूट और वेजिटेबल में न आए, और जैसे ही आप हार्वेस्ट कर देते हैं तो उसको फील्ड में ना छोड़ें, तुरंत ही छाया वाली जगह पे आप उसे शिफ्ट कर दें। तो अभी ये जो आपके दो पॉइंट्स हैं, मैच्योरिटी इंडाइसेस और हार्वेस्टिंग, दैट इज दोनों आपके कवर हो गए, एंड फील्ड हैंडलिंग अभी इसको आप अगले लेक्चर में सुन लेंगे। फील्ड हैंडलिंग के ऊपर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आई होप दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।